नमस्कार एवरीवन, ऑडिबल समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है, जो चीज़ फ्री होती है वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, जैसे नींद, शांति या आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। और आयरन यानी कि विनम्रता यह है कि हम इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा बेकदरी करते हैं। और यहाँ सभी वो एलिमेंट है जो करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी नहीं मिलती है। लेडी डायना का एग्जाम्पल है, उनके पास बहुत सारा पैसा था मगर वो फिर भी सच्चे प्यार की तलाश में थे। एक और कारण भी है जो जब हम इन चीज़ों की कद्र नहीं करते, वो है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन कि हमने ही जिंदगी को ऐसा बनाया। मगर आज की समरी इसको सॉल्यूशन देने वाली है। तो आज की बुक समरी है, द थिंग्स यू कैन सी ओनली यू कैन स्लो डाउन, हाउ टू बी काम एंड माइंडफुल इन अ फास्टेस्ट प्लेस्ड वर्ल्ड, जिसे लिखा है हेमंत सेन ने। प्यार, पैसा, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इस बुक से हमें सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आप अपने मन शांत रखना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम से कुछ वक्त के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए एकदम सटीक साबित होगी। यहाँ आपको ये दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने और सुकून पाने में हेल्प करेगी। इस बुक के ऑथर हेमंत सेन एक जैन बुद्धिस्ट टीचर, राइटर और प्रोफेसर थे। ऑथर ने कोरिया से मॉन्क की तरह रहने की ट्रेनिंग ली है, साथ ही वो बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ बुक समरी, द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू कैन स्लो डाउन बाय हेमंत सेन। तो अगर ये समरी सुनते वक्त आपको शायद ये महसूस करेंगे कि हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है आप किसी के बेटे हो, बेटी हो, या पेरेंट हो, या फिर किसी के हस्बैंड, या फिर वाइफ, या फिर कोई कोवर्कर। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अपनी ड्यूटी पूरी करते करते आप थक चुके हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपकी कोई खुद की लाइफ ही नहीं है और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागते दौड़ते दुनिया में जी रहे हैं, उसी की वजह से हम इस तरीके की फीलिंग्स आती है जैसे हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज़ चाहिए और तुरंत चाहिए, और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो कुछ पल निकाल करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सके। मगर इसका भी एक हल है, बल्कि सच तो ये है कि हर जिंदगी के हर पहलू का कोई ना कोई हल होता ही है, और उसका नज़रिया और हल हमें समरी में मिलेगा। इसमें हमको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, रेस्ट। जब आप उदास होते हैं या खुश होते हैं, तब क्या आपको लगता है कि ये दुनिया आपको वो खास इमोशन फील करा रही है? क्या आपको लगता है कि दुनिया सब्जेक्टिव है, यानी कोई बात फैक्ट्स की वजह से अपने अपने पर्सनल विचारों पर बेस्ड होती है, या ये आपके मूड और इमोशंस के लिए जिम्मेदार है? वेल, आप गलत सोच रहे हैं। ये दुनिया सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी कि फैक्ट्स पर बेस्ड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियाँ नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसी से हमारे इमोशंस डिसाइड होते हैं कि हम कैसा फील करेंगे। ये बात स्टडीज़ में भी बार बार प्रूव हो चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स पहले आती है, यानी इंसान की फितरत वो है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पहले सोचता है। अब आप पूछेंगे कि ये फैक्ट्स हमारे किस काम का है, तो हम बताते हैं। असल में हमें अपनी लाइफ में खुशी के पल ढूंढने होते हैं। हमें खुद को ट्रेन करना होता है कि हम हर वक्त खुश रहे, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी। महात्मा बुद्ध की एक फेमस कहावत है, हम जो देखते हैं वो दिखाता है कि हम कौन हैं, यानी हमारा नज़रिया हमारी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम नेगेटिव है तो दुनिया में हर चीज़ हमें नेगेटिव लगेगी, और अगर हम पॉजिटिव है तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखेंगे। जैसे बुद्ध की नज़रों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर आप खुश हैं तो ये दुनिया आपके लिए एक हैप्पी प्लेस है, और अगर आप उदास हैं तो चारों तरफ आपको उदासी ही नज़र आएगी। यानी सब कुछ हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, और यह रिएक्शन आपके मन को शांति भी दे सकता है और सिरदर्द भी। जैसे कभी आपका दिन बुरा जाता है तो आप हर चीज़ को उसी से जोड़ करके देखने लगते हैं, मगर ये सोच गलत है। बल्कि आपको समझना चाहिए कि ये सब आपने गुस्से पे सोच रखा है, और गुस्सा एक टेम्पररी फीलिंग है। इस बात का ध्यान रखें कि कब आपको बुरे इमोशंस फील होते हैं, ताकि आप उस फीलिंग्स को खुद पर हावी होने से रोक दो। आपकी ये टेम्पररी गुस्से या टेंशन की फीलिंग आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि गुस्सा एक टेम्पररी फीलिंग है,
जो कुछ देर में खुद ही शांत हो जाएगा। आप इसे एक बादल की तरह मान करके चल सकते जो आसमान में कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतज़ार करें। आप कुछ देर रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं, खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दें। माइंडफुलनेस, यानी कि इस बुक के ऑथर हेमनसन अक्सर एक सवाल बार बार पूछते हैं कि गुस्से, नफरत, जलन जैसे नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स हमें काफ़ी थका सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंसान खुद को इनसे कैसे बचाए। हेमन को जानकर के खुशी होती है कि लोग अपने माइंड के स्टेट के बारे में अवेयर होते हैं, यानी उन्हें पता रहता है कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और ये अवेयरनेस वाला स्टेट है, वो पहला स्टेप है जो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने में हेल्प कर सकता है। वैसे जब आपको नेगेटिव फील होता है तो अक्सर आपका क्या रिएक्शन होता है, आप शायद उस फीलिंग को वहीं दबा देते होंगे, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करते होंगे, या फिर जल्दी से अपना माइंड कहीं और लगाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यही नेगेटिव फीलिंग्स आप पे हावी हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगली बार जब कोई आपको नेगेटिव फील हो तो उसे ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे वो फीलिंग्स आपका पार्ट है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि यह आपका पार्ट है ही नहीं, तो अब आपको कैसे अफेक्ट कर पाएगा ये चीज़। बेशक इस तरह की डिटैचमेंट के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन एक बार आपने यहाँ सीख लिया तो यकीन मानिए कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करेंगे। नेगेटिव इमोशंस हमारी रियलिटी का परमानेंट पार्ट नहीं है, और ना ही कभी बनेंगे, और ना ही ये हमें डिफाइन करते हैं। इसीलिए अपनी हर नेगेटिव फीलिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो आने दें, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश मत करो, वरना यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर नेगेटिव फीलिंग को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें गुस्सा भी आएगा, हम जेलस भी फील करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन ये इमोशंस आकर गुजर जाते हैं, उसके बाद आप फिर से नॉर्मल और रिलैक्स फील करने लगेंगे, और आपको उसी पल का इंतज़ार करना है। पैशन, ऑथर कहते हैं कि ऑथर होने के अलावा हेमन एक पीएचडी होल्डर भी है, वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन भी सिखाते हैं। ये उनकी पहली क्लास थी, जो मेडिटेशन सीखने आते थे वो थे कॉलेज के स्टूडेंट। खुद एक बुद्धिस्ट होने के नाते वो अपनी पहली क्लास को पढ़ाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि मेडिटेशन को लेकर के उनकी क्लास में भी उतना ही जोश हो। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस वक्त उन्हें मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उन्हें वो जरूर मेडिटेट करे होंगे। शुरुआत में स्टूडेंट में काफ़ी एक्साइटमेंट था, वो साफ साफ देख सकते थे कि वो उनके प्रोफेसर इतने अपने हर लेक्चर को इतने एनर्जी, एफर्ट्स के साथ, पैशन के साथ में प्रेजेंट करते थे। इतना ही नहीं, हेमंत अपने स्टूडेंट के लिए मॉनेस्ट्री और चर्च जाने का भी इंतजाम करते थे, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट खोने लगे और जल्दी थकने भी लगे। इस बात से हेमंत बड़े हर्ट हुए, उन्हें ये सोच करके काफ़ी बुरा लगा कि स्टूडेंट अपना पैशन खो रहे हैं। एक तरफ वो थे कि जो पूरी मेहनत से ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके स्टूडेंट को उनकी कोई कदर ही नहीं थी। हेमन ने हर्ट की फीलिंग को गहराई से ऑब्जर्व किया, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके स्टूडेंट सिर्फ उनकी क्लास अटेंड नहीं करते, बल्कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इसीलिए वो उनकी तरह पैशनेट नहीं थे, तो उनका कसूर भी नहीं था। ये चीज़ महसूस होते ही हेमंत ने अपने जोश को कंट्रोल में करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को अपने स्टूडेंट के साथ मैच करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि स्टूडेंट फिर से एक बार क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे। किसी एक चीज़ की के लिए जोश या एक्साइटमेंट दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा जोश दिखाने से उस चीज़ की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यही हेमंत के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कम किया ताकि वह बेहतर टीचर बन सके, तो बदले में उनके स्टूडेंट को काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो आप भी वही एक्सपीरियंस करेंगे जो हेमंत ने किया था, क्लासरूम में नहीं बल्कि लाइफ के किसी भी एरिया में। आपको भी ये देख करके निराशा होगी कि लोग आपके जैसे डेडिकेटेड और पैशनेट क्यों नहीं हैं। लेकिन आपको ये सब बर्दाश्त करना होगा, आपको सिर्फ इफेक्टिव बनने पे फोकस करना होगा, आपको दूसरों के साथ मिलकर के काम करने के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे दोनों पार्टी खुश रह पाएंगे। अब आगे बात करते हैं रिलेशनशिप। दूसरों के साथ में सेफ और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने से हमको सेफ और सिक्योर फील करेंगे हम लोग। इसमें हमको हमारा मेंटल स्टेबिलिटी
बनाए रखने में भी हेल्प मिलेगा। किसी प्रॉब्लम और स्ट्रगल के वक्त हमको कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे कि हम कोई हमारे साथ में खड़ा रह सके, जो क्योंकि अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए तो क्या आपकी महंगी कार आपको तसल्ली दे पाएंगे? क्या आपका आलीशान घर आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करेगा? नहीं ना, क्योंकि चीज़ें इंसान की जगह नहीं ले सकती है। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, मुसीबत के वक्त सिर्फ हमारे फैमिली और फ्रेंड्स ही हमारे काम आएंगे। अगर आपको दोस्त बनाने में दिक्कत होती है तो अपना एटीट्यूड चेंज करें। अपने कोवर्कर्स या क्लासमेट को लेकर के कोई जजमेंटल ओपिनियन मत रखें। जितना आप ओपन माइंड रहेंगे उतना ही लोगों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उनके बारे में राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मान के चलते हैं कि भला इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसीलिए दूसरों को जानने और समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर के आपकी राय बाद में एकदम से बदल जाए। कई बार तो लोग हमारी ही परछाई होते हैं। मान लो कोई इंसान जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं आपको एकदम ओल्ड नेचर का, यानी जैसे कोई इमोशन फील नहीं होता उसे वैसा लगता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भी आपको यही नेचर का सोच करके आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाने से झिझक रहा हो। इसीलिए ओपन और फ्रेंडली रहे जिससे लोग आपको अप्रोच कर सके। हालांकि पोलाइट होना भी जरूरी है, मगर सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे बनेंगे, जब आप खुले दिल से बात करेंगे। कभी आप सामने वाला भी अपने दिल की बात करने के लिए हिम्मत करेगा। याद रखिए कि बोल्ड नेचर वाले लोगों से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई नए दोस्त बनाने के बारे में बात, लेकिन अगर आप पहले से भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते टूटने की कगार पे, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हेमंत के साथ भी हुआ था जब वो यूरोप में अपने फ्रेंड के साथ में बैकपैकिंग ट्रिप पे गए थे। इन दोनों की मुलाकात एक मॉनेस्ट्री में हुई थी। उनके बीच काफ़ी बातें कॉमन थी और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। अब क्योंकि उनके फ्रेंड को ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए हेमंत उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए हेमंत उसके साथ साथ रहते थे। दोनों जहाँ रहते साथ रहते, जो भी करते साथ में करते। नतीजा ये हुआ कि सातवें दिन तक दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके थे। उनकी दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। बस अब उन्हें थोड़ा सा पर्सनल प्लेस चाहिए था। तो अगले दिन हेमंत ने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि क्यों ना आज हम अलग अलग घूमें और नई जगह ढूंढें। उनका फ्रेंड खुशी खुशी मान गया। उसके जाने के बाद हेमंत को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें ये सोच करके तसल्ली हुई कि बार बार उन्हें अपने फ्रेंड से हर चीज़ नहीं पूछनी पड़ेगी, जो करना है खुद से कर लेंगे। लेकिन फिर दोपहर होते होते हेमंत को अकेलापन खलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जो मज़ा किसी के साथ रहने में, वो अकेले रहने में नहीं है। जिसे अगर उन्हें पिक्चर लेनी हो तो किसे कहेंगे? उन्हें लोगों से पूछने में शर्म आती थी। उनका साथ था तो दोनों एक दूसरे से खूब सारी पिक्चर ले लेते थे। जैसे मान लो हेमंत को कोई चीज अच्छी लगे तो किसे कहते हैं, वो देखो वो चीज कितनी सुंदर लग रही है। शाम को जब हेमंत और उनके फ्रेंड वापस होटल लौटे तो दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जो कुछ एक्सप्लोर किया था उसके बारे में एक दूसरे को बताया। हेमंत ने महसूस किया कि एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना ऐसा ही है जिसे शरद रातों में आपके पास में बैठना, जिससे अगर आप आग से बहुत दूर बैठेंगे तो आपको उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और आप अगर बहुत पास बैठे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में करीबियाँ ज़्यादा बढ़ जाती तो बोरियत होने लगती है। इसीलिए आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बना के चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस हो। रिश्तों में भी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक हेल्दी और स्ट्रांग रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। लव, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दुनिया के महान फिलोसोफर, आर्टिस्ट और राइटर अक्सर बातें किया करते हैं। प्यार हमें जितनी खुशी देता है उतना ही गम भी देता है, लेकिन हेमंत ने अपने एक्सपीरियंसेस में यही सीखा कि प्यार शर्मिला होता है। जब हम प्यार के पीछे भागते हैं तो प्यार हमसे दूर भागता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब प्यार हमारी ज़िंदगी में अचानक से दस्तक देता है। प्यार दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। सच कहे तो प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। यह हमारी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेके आता है। प्यार उतना ही मासूम है जैसे किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान। अगर हम प्यार में होते हैं तो यह सारी कायनात ही प्यारी लगने लगती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि अपने एक्साइटमेंट और पैशन पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, लेकिन प्यार को लेकर कैसे ना हो जाए कि आप पर सनक या धुन सवार हो जाए और आपका पार्टनर आपसे डर करके दूर भागने लगे। हर रिश्ते की तरह प्यार के रिश्ते में भी
पर्सनल स्पेस देना ज़रूरी है। याद रहे कि आपका साथ रहने के लिए आप दोनों का एनर्जी लेवल मैच करना होगा। अगर आप अपना प्यार जाहिर करने से डरते हैं तो हम बता दें कि हेवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार धर्म के ऊपर टॉक देने के बाद हेवन के पास एक लड़की आई। उसने बड़े ही प्यार से हेमन से पूछा कि क्या मैं आपको एक गर्म सोया मिल्क दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आपको देने के लिए कोई कुछ भी नहीं है। वो अपने तरफ से हेमन को ये चीज़ इसलिए गिफ्ट दे करना चाहते थे क्योंकि उनकी बातों ने उसके जैसे सिंपल लड़के के दिल को छू लिया था। इससे पहले कि हेमन कुछ जवाब देते वो भीड़ में कहीं गायब हो गई और इसके बाद हेमन ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। हेमन ये सोच करके बड़ा पछताया कि उन्होंने उसे कुछ देर और क्यों नहीं बात की, क्योंकि वो उसे बताना चाहते थे कि उसकी सादगी हेमन को कितनी अच्छी लगी थी। क्या आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हेमन खुद को भी एक बेहद सिंपल और मामूली इंसान समझते हैं। चाहे कोई भी कितना फेमस हो या आपके लिए आपके पहुंच से बाहर हो तो भी है तो वो इंसान है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आपकी तरह दुख और परेशानियों से गुजरा होगा। उसने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में मुश्किलों और परेशानियों का सामना किया होगा या फिर दिल टूटने का दर्द झेला होगा। यानी वो भी हमारी तरह ही ऑर्डिनरी लोग हैं। और अगली बार जब भी आप अपने फीलिंग्स को शेयर करने से डरे तो इस बात को एक बार याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है लाइफ। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको पहला सवाल क्या करते हैं आप? जाहिर है आप सबसे पहले नाम पूछते होंगे, या फिर अगला सवाल होता है शायद ये पूछेंगे कि आप जॉब कहाँ करते हैं या फिर किस कॉलेज में पढ़ते हैं। क्योंकि पहली बार किसी से मिलते वक्त उसके करियर या एजुकेशन के बारे में पूछने में कोई बुराई नहीं है। देखा जाए तो किसी से जान पहचान करने का यही तरीका होता है। आप कुछ अपने बारे में बताते कुछ सामने वाले के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस चीज़ ने हेमन को सोचने पर मजबूर किया। जब कोई हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम उन्हें सोशल तौर पर जज करने की कोशिश करते हैं? यानी क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला कितना कमा रहा है या फिर उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्या किसी को जानने के लिए ये फैक्टर काफ़ी है? हेमन को इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय तो कुछ और ही है। उन्हें लगता है कि किसी इंसान की असल पहचान यही है कि वो अपने बारे में कितना और क्या शेयर करता है। सैलरी, बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ और है जो हम किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं। हेमन जब अपने 30 की उम्र के आसपास पहुंचे तो उन्होंने बातों पर गौर करने की आदत डाली। इस दौरान उन्हें 3 नई बातें समझ में आई और वो जानते थे कि ये तीनों ही खुश रहने के लिए काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने महसूस की कि लोग आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना आप जानते हैं। हेमन को छोटी छोटी डिटेल्स याद नहीं रहती, जैसे पिछले हफ्ते उनकी फ्रेंड ने कैसा मेकअप किया था या क्या पहना था। तब उन्होंने सोचा कि जैसे मुझे दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो उन्हें भी मेरे बारे में कितना याद रहता होगा। और बस उन्हें सबक मिल गया था। अगर लोगों को उनके बारे में कुछ याद ही नहीं है तो उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। असल में लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमको लगता है। एक और चीज़ जो हेमन ने सीखी वो ये कि हर कोई हमको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। क्या आप सबको पसंद करते हो? क्या नहीं ना, तो आप दूसरों से क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपको पसंद करे? अगर कोई आपको पसंद करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। किसी की पसंद या नापसंद से हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को एक्सेप्ट करना सीखिए कि यह सब लाइफ का हिस्सा है। जब सबको खुश रहना नामुमकिन है तो भला हम इतनी टेंशन क्यों ले? तीसरी चीज़ है, हेमन ने यह भी देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं असल में खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। आप दिल बड़ा करो तो दुनिया भी दिल बड़ा करेंगे। आप सेल्फिश बनोगे तो दुनिया भी ऐसे ही पैसा आएगी। आप प्रार्थना करते हो कि आपकी फैमिली हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं। आप ये सोच करके डरते हैं कि कहीं आपके पार्टनर को कुछ हो न जाए, क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं। देखा जाए तो हर इंसान सेल्फिश है। वो हर इंसान जीजस या भगवान नहीं बन जाते। स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसीलिए वही विचार करो जो आपके लिए मुमकिन हो, जो आपको खुशी दे। बड़ा सिंपल लगता है हमको सुनने में, कभी कभी हमको सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए क्या होगा अगर इसके बजाय उस पर फोकस करें जो अभी हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। वैसे भी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड ना करें, एंजॉय करें बल्कि द फ्यूचर। बचपन में हेमन खुद को वाकई ही ऑर्डिनरी माना करते थे। वो हर चीज़ में एवरेज रहे, हाइट में, ग्रेड्स में, यहाँ तक कि उनकी फैमिली की इनकम भी ऑर्डिनरी ही थी। वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही थी। उन्हें याद है कि 3rd स्टैंडर्ड में उनकी एक टीचर हुआ करती थी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उनका नाम था मिस ली। हेमन मिस ली के नाम से कांपते थे। असल में वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इसीलिए हर कोई उनसे डरता था। अब मिस ली का एक बेटा था जो हेमन की उम्र का था। एक दिन मिस ली के बेटे ने हेमन को अपने नए खेलों से खेलने के लिए इनवाइट किया जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिलाई थी। लेकिन हेमन ने ये सोच करके मना कर दिया कहीं मिस ली आ गई तो उनकी खैर नहीं।
लेकिन मिस ली के बेटे ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि उसकी माँ 4 बजे से पहले आने वाली नहीं है, और हेमन उससे पहले निकल गया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर हुआ यूँ कि दोनों बच्चे खिलौने से खेलने में मस्त हो गए और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मिस ली जब घर आए तो अपने बेटे के रूम में गई। हेमन ने जैसे ही उन्हें देखा तो उन्हें उनके होश उठ गए। ये कहना काफ़ी नहीं कि हेमन सच में बहुत डर गए थे, और हो भी क्यों ना, वो स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर जो थी। मगर ये क्या, मिस ली ने अचानक से कुछ ऐसा किया जो हेमन सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मिस ली ने उन्हें गले लगाया और अपने बेटे और हेमन के लिए स्नैक लेकर के आए। हेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते थे। वो टीचर अब कहाँ चली गई थी? ये प्यारी सी आंटी कौन थी जो हेमन को अपने बेटे की तरह प्यार कर रही थी? तब मिस ली ने हेमन के कन्फ्यूजन दूर करते हुए समझाया कि उन्हें स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए उनका स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, ताकि हेमन जैसे छोटे बच्चे ध्यान दे सके और उनकी बात सुने। घर जाने से पहले मिस ली ने हेमन से कुछ ऐसा कहा था जो हेमन को अभी तक याद है। मिस ली ने कहा कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट और रोल मॉडल हो। साथ ही उन्हें इस बात पर भी पूरा भरोसा था कि हेमन बड़े होकर के कुछ कर दिखाएंगे और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशहाली लाएंगे। इन बातों ने हेमन को काफ़ी मोटिवेटेड किया था। उन्होंने स्कूल में टॉप किया और उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल टीचर और प्रोफेसर भी बने। एक इंसान जो आपके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है, ये अपने आप में कितनी कमाल की फीलिंग है। यह हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करेंगे। यह हमारे अंदर उम्मीद और विश्वास की फीलिंग्स लाएगी। जब आपको लगता है कि कोई ग्रुप या कोई इंसान आपके लिए चीयर कर रहा है, तब आपके अंदर पहले से ही विनर वाली फीलिंग्स आ जाती है। अगर आपके अंदर ये सब है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत लकी है जो ऐसे अमेजिंग लोग आपको मिले हैं। दूसरों के लिए आपको ऐसा ही इंसान बनना होगा जिस पर लोग भरोसा कर सके। आप नहीं जानते कि आपकी बातों में वो पावर है जो दूसरों को इनकरेज कर सकती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकती है। अब ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी बौद्ध धर्म में एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म का सिद्धांत, जो एक बेहद पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और बाकी सब धर्मों में भी इसे महत्व दिया जाता है। लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, यानी जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। जो हम देते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। हालांकि हेमन इस टीचिंग से बेहद इन्फ्लुएंस थे, तो भी वे दूसरे धर्मों से इतना ही इंस्पायर्ड थे, जैसे कि अपने कॉलेज टाइम में उन सभी पर क्रिश्चियन धर्म का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसे टीचिंग्स और लेसन्स हैं जो हर रिलीजन में बिल्कुल सेम है। कुल मिलाकर के स्पिरिचुअलिटी कोई एक डेफिनेशन नहीं या एक सच नहीं है। किसी भी बिलीफ्स या लेसन पर किसी एक रिलीजन का इकलौता हक नहीं है। अगर सारे नहीं तो बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे जो यूनिवर्सल है, और यही हेमन ने तब महसूस किया था जब वो उनके बुद्धिस्ट भाई एक फ्रेंच गांव में गए थे। एक फ्रेंच गांव में एक क्रिश्चियन मठ की कम्युनिटी है। हेमन और उनके बुद्धिस्ट भाई इस कम्युनिटी से मिले और कुछ दिन उनके साथ गुजारे। इस दौरान हेमन ने देखा कि इस क्रिश्चियन कम्युनिटी और बौद्ध धर्म के बीच में कई चीज़ें मिलती जुलती है, जैसे कोई रीति रिवाज और परंपरा दोनों में सेम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोनों धर्म के लोग चोगा पहनते हैं, कि दोनों के रंग अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियन भी ज़्यादातर वक्त मौन प्रार्थना करते हैं जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। उनके धर्म में भी अंगूठी आती जो भगवान के प्रति उनकी कसम यानी कि प्रतिज्ञा का प्रतीक थी। हेमन और उनके भाई भी बुद्ध के सम्मान में छोटी छोटी अगरबत्तियां जलाते थे। इन सारी बातों से हेमन को लगा कि फेथ के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। दुनिया में इतने धर्म हैं तो भी हर धर्म के लिए जगह है, और हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम एक दूसरे के धर्म से सीखें। असल में देखा जाए तो कोई धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म का एक ही मकसद है, हमें सच्चाई की राह पर लेकर के जाना। ज़रूरी है कि हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। और अब आता है कंक्लूजन। इस समरी में हमने सीखा कि ज़िंदगी के उन 8 पहलुओं के बारे में जिन पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन पर फोकस करने से ही हम शांत और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं रेस्ट की, यानी कि आराम की। आज के इस भाग दौड़ भरे माहौल में इंसान अपनी सेहत खोता जा रहा है, क्योंकि उसे बस काम और पैसे कमाने की पड़ी रहती है। लेकिन हमें अपनी रफ्तार पर थोड़ा लगाम लगाना होगा और कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना होगा। इससे हमको नॉलेज मिलेगी, हमको जीवन के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। मेंटल हेल्थ के लिए लगातार बिजी रहना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसीलिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होना। नेगेटिव इमोशंस आना एकदम नॉर्मल है, और अक्सर हम उन्हें अनदेखा भी कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारी परेशानियाँ दूर नहीं होंगी। अपने हर फीलिंग्स पर नज़र रखें, और तभी हम अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और उदासी को दूर कर पाएंगे।
और ये मान करके चले कि यह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है और ना ही ये हमारी हकीकत है। तीसरी चीज़ है पैशन, यानी कि जुनून। पैशन हमको बदल सकता है, हमारे आसपास के माहौल और लोगों को भी बदल सकता है कि आप यह हमको हमारे गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेटेड करता है। हालांकि हमारा पैशन हम पे हावी भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर हमारे जैसा पैशन हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक हो सके सामने वाले के एनर्जी लेवल के साथ में मैच करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ है रिश्ते। अगर आप सुखी रहना चाहते तो आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझना होगा। कोई तो हो जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ में खड़ा हो। हालांकि रिश्ते में एक बाउंड्री रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दूसरों के साथ साथ खुद को भी टाइम दें। पाँचवीं चीज़ है प्यार। प्यार हम सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। ये दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग्स हैं। प्यार में वो ताकत है जो बड़े से बड़े घाव को भर सकता है। आप जितना प्यार देंगे बदले में आपको उतना ही प्यार लौट करके आपके पास आएगा, और ख़ास करके उन लोगों को जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। छठी चीज़ है ज़िंदगी। कुछ चीज़ें आपकी आपको गांठ बांध के रखनी होगी। हर कोई आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप सोचते हो। हर कोई आपको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना सीखो कि सेल्फिश बनने में कोई बुराई नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। सातवीं चीज़ है फ्यूचर। आप नहीं जानते कि आपकी बातें दूसरों को कितना अफेक्ट कर सकती है। हो सके तो ऐसी बातें करिए जिसे लोगों को सीख मिले। कुछ ऐसा करिए जिसे लोगों का भला हो। आपके मुंह से निकली बात न जाने कितनों का भला कर सकती है। आठवीं चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। दुनिया में कोई कई अलग अलग धर्म है, लेकिन इनके पीछे जो फेथ और विश्वास है वो एक तरीके से एक जैसा ही है। इस बहस में ना पड़े कि कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है। देखा जाए तो हर धर्म कुछ सिखाता है। आज दुनिया को धार्मिक मान्यताओं की नहीं बल्कि प्यार और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो बात हमने यहाँ सीखी है उसे असल जिंदगी में अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, और हेमन ने उन्हें और भी इजी बना दिया है, क्योंकि इजी बातें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन लेसन्स और टीचिंग को अपने डेली प्रैक्टिस में अप्लाई करने की कोशिश करें, फिर देखिए कि आप पहले से कितने ज्यादा खुश रहेंगे और खुद को कितना आजाद महसूस करेंगे। और इसी मोड पर यहाँ सुंदर सी प्यारी सी